जी नाज़रीन, इस वक्त मैं यहाँ माडा टाउन में मौजूद हूँ और मेरी इस वक्त बाइक पंचर हो गई और यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। और ये जी सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पे, मुझे रोक रहे हैं और यहाँ आगे से बदतमीजी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो ना यहाँ सारे अफसर रहते हैं, तू कहाँ से इधर से गुजरने वाला फलां फिस्सा। तो जी क्या मसला है मेरे यहाँ से गुजरने में, सबके रास्ता नहीं है सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बोले आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछा किधर जाना, इन्हें मोटरसाइकिल दबाई जा रहा है। मैंने पूछा गेट थोड़ी पेंचर है, मैंने दस मैं गेट खोल के टपा दिया, तू मेरी बात नहीं सुनी। देखो गेट वहां से मैं हो गया आपके सामने, मैं मैंने कोशिश की नीचे से मैं बाइक लेके जाऊं, लेकिन आप तू मेरी गल सुन। बेटा नहीं, आप इधर जो ना मैं लड़ने के लिए आ गए, आप बची जा रहे पहिया ही जान मोटरसाइकिल पंचर, मिनट दबा है मतलब गेट पा देना। मेरे साथ दूसरा बंदा मौजूद था, मैंने कहा उससे आप बात करना, मेरी बाइक ने रुक नाल दूसरा बंदा हैगा तो नहीं आ रहा आप दूसरा आयो, फिर मैं गेट पा देना। आयो गल सुनी सी होंगी, गेट से खलोने गल सुनया कर भी मेरी मोटरसाइकिल पंचर मैं दबा के मैं टपाऊं नहीं। नहीं तुसी बदतमीजी करते पे हो ना, ये आपने मुझे कहा कि कौन सा अफसर हो सकता है आपने, तो गल सुनी मेरी। मैंने इसको मैंने चार किया यार सुनो अंकल क्या कह रहे हैं। मेरी नहीं गल सुन, मेरी बात तू नहीं सुनी, मैं तेरे डक्की मोटरसाइकिल मैं किया किधर जा रहा है, वो गेट टपा के तुम टपा देते रास्ता गल नहीं बड़ी। नहीं देखे चलो, अब ये वो बंदा आ रहा है, आप उसको रोको, उससे पूछो आप कहाँ जा रहे हो। यार गली दे नहीं, गली की बात नहीं, आपको कैसे पता है गली गली सारे वाकफ बने, मैंने 20 साल हो गए से। तो नहीं तो हम आपको कुछ और डाकू लग रहे हैं, तू मोटर तू खर्चा में टकिया ना, तू गांव रोजाना आते रहते हैं, यहाँ से हम रोजाना आगे आते जाते रहते हैं। आज मेरी बाइक पंचर है, मैं रुक नहीं सकता था, मैं यहाँ मजबूर था, मेरी मोटरसाइकिल पंचर है, टपा दे किसी मोटरसाइकिल। तो अभी है आपको चाबी, हाँ जी चाबी की आप टपाओ तो खोल देंगे फिर आज लाके।